नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो गाइस, आज हम आपको दुनिया का सबसे आसान तरीके से 55 नंबर की हेल्प से जीप का चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप जल्दी से मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिएगा। यहाँ पर आपको इस तरह एक 5 नंबर लिखना होगा और दूसरा वाला 5 आप ये वाली लाइन थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। यहाँ पर ऐसे 5 लिखेंगे। अब गाइस, हमें नीचे के साइड में इसको एक सर्कल शेप में कन्वर्ट करना होगा। इधर से बहुत ही आसानी से बढ़ाते हुए यहाँ पर मिलाइएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे। बीच में एक सर्कल बनाना होगा। इस तरह आप एक सर्कल बना दीजिएगा। एक सर्कल हमें यहाँ पर भी बना देना होगा। सर्कल बनाने के बाद एक छोटा सा सर्कल और बनाइएगा। एक हम यहाँ पर भी ऐसे सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि इस वाले 5 नंबर को इस वाले 5 नंबर के साथ आप दोनों को टच कर दीजिएगा। इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। बहुत ही आसान होने वाला है। इससे आसान तरीका आपने अभी तक YouTube पर कहीं भी नहीं देखा होगा, यह हमारी गारंटी है दोस्तों। इसको थोड़ा सा आप और ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद ये जो हमने 5 नंबर लिखा था बड़ा वाला, इधर से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। हो सके तो आप स्केल का यूज़ यहाँ पर आप ज़रूर करेंगे। इधर बढ़ाएंगे, बहुत ही ध्यान से हल्का सा तिरछा लाइन बढ़ाते हुए यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे। फिर दोस्तों, इधर से आपको ऊपर के साइड में एक लाइन यहाँ पर ऐसे बढ़ाना है। इसको भी थोड़ा सा और इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि इधर से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्केल रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन आप इधर ऐसे बढ़ाएंगे। इसको हमें नीचे के साइड में एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना है। देखिए कितना आसान है, हमने भी नहीं सोचा था दोस्तों कि इतना आसान हो जाएगा। इसको भी आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको इधर से इस कार का विंडो बना देना है। कार नहीं है दोस्तों, जीप है। तो यहाँ पर ऐसे एक इधर बनाएंगे, एक यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाइए, इधर से बढ़ाते हुए मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, छोटी सी लाइन, एक लाइन इधर। बहुत ही सावधानीपूर्वक आप इसको डबल करिएगा। डबल हो जाने के बाद जस्ट इधर से एक लाइन आप यहाँ पर, फिर हल्की सी तिरछी लाइन जो पीछे का एरिया होता है जीप का, यहाँ पर बन जाएगा। इसको ऐसे डबल कर देंगे। डबल हो जाने के बाद दोस्तों, एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर। बहुत ही ध्यान से आप इसको ऐसे मिला दीजिए। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको आगे के साइड में हम यहाँ पर मिला देंगे। इधर से दोस्तों यहाँ पर ऐसे करिए, आगे के साइड में एक हेडलाइट बना दीजिएगा। पीछे आपको इधर से ऐसे एक बॉक्स बना देना है। नीचे के साइड में एक लाइन इधर, एक छोटी सी लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसको डबल कर देना है। तो गाइज, ये हमारा बहुत ही आसानी से जीप का चित्र बनके तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी बहुत ही आसानी से जीप का चित्र बनाना सीख जाएं। तो चलिए अब हम इस जीप को कलर भी करना सीख लेते हैं।